अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे तीन मसालों के सालन, यानी के अंडे का सालन, मिर्चियों का सालन और बघारे बैंगन। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी, पुलाव जैसी चीज़ों के साथ में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे बघारे बैंगन। तो सबसे पहले अब हम कुछ मसाले भून के तैयार कर लेंगे। तो मसालों में हम लेंगे फल्ली, खोपरा, तिल, धनिया और ज़ीरा। तो खोपरे के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और अब हम एक फ्राइंग पैन में फल्ली और खोपरे को भून लेंगे। तो जैसे ही फल्ली और खोपरा भुने जाएगा, हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे तिल। तो तिल को भी हम साथ में ही भून लेंगे फल्ली और खोपरे के। और अब ये अच्छे से भुने गए तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये है ज़ीरा और धनिया, तो इसको भी हम भून लेंगे अब। तो ये जो धनिया और ज़ीरा है, हम तिल फल्ली खोपरे के साथ में मिला के इसको भी एक साथ पीस के इसका पेस्ट बना के रख लेंगे अब। तो ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना के रख लिया है। और ये है मुट्ठी भर इमली। तो इमली को अच्छे से धो के हम एक गिलास पानी डाल के भिगा के रख लेंगे और भीग जाने के बाद में इसका रस निकाल के रख लेंगे। और ये है हाफ के जी बैंगन। तो बैंगन को भी हमने इस तरह से कट्स लगा के रख लिया है, इसकी डंडी भी नीचे से काट के रख लेना है, फेंक देना वो। और अब हम बघारे बैंगन बनाना शुरू करेंगे। तो हमने एक सॉस पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और बैंगन ऐड कर लेंगे। तो बैंगन को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, अब हम इसको निकाल लेंगे तेल में से। तो बैंगन को निकाल लेने के बाद में अब हम वही कुकिंग ऑयल में ऐड करेंगे थोड़े से राई, ज़ीरा और करी लीव्स। लाल सूखी मिर्च ऐड कर लेंगे और दो मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। तो प्याज हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पीसे हुए मसाले हैं तिल, फल्ली, खोपरा और धनिया, ज़ीरा। तो मसाले ऐड कर लेने के बाद में हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पे तेल सेपरेट हो जाना जब तक भून लेना है। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए। मसाले अच्छे से भुने जाने के बाद में इमली का खट्टा ऐड कर लेंगे। चार मीडियम साइज़ के आधे कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च, कोथमीर और करी पत्ता और फ्राई किए हुए बैंगन। तो ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में हम एक गिलास पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो ऑयल है अच्छे से सेपरेट हो जाना जब तक हमको ये पकने के लिए रख देना है। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए, हमने इसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पे और ये जो ऑयल है वो भी अच्छे से सेपरेट हो गया। अब ये बघारे बैंगन बनके तैयार हो गए, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। बघारे बैंगन तो बनके तैयार हो गए, अब हम बनाएंगे अंडों का सालन। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मसालों को भून लेंगे। तो मसालों में हम लेंगे खोपरा, फली। तो खोपरा और फली को हम एक साथ में भून लेंगे। और ये फली और खोपरा भुने जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करके तिल को भी भून लेंगे एक साथ ही। और ये अच्छे से भुने गए तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो पीसने से पहले हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस के इसका पेस्ट बना के रख लीजिए। और ये है मुट्ठी भर इमली। तो इमली को हम अच्छे से धो के भिगो के रख लेंगे एक गिलास पानी डाल के।
और अब हम सालन को बघार लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल दिया है और ये है राई, जीरा, करी पत्ता, ये है प्याज। तो इसको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, हम इसके अंदर लाल सूखी मिर्च डाल देंगे। टमाटर ऐड कर लेंगे अब। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। तो ये सब चीज़ों को हम एक साथ डाल देंगे इसके अंदर अब। और अब टमाटर को भून लेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो टमाटर है अच्छे से गल जाए। तो टमाटर भुने जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये फली, खोपरा और तिल का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेंगे। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का खट्टा, जो इमली हमने भिगा के रखी थी उसका हमको इस तरह से खट्टा इसका निकाल के सालन के अंदर ऐड कर लेना है। और 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। और ये है थोड़ी सी करी पत्ता और कोतमीर, हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और अब ये बिरयानी का सालन बनके तैयार हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और सालन पकने के दौरान में आप अंडे भी बॉईल करके रख लीजिए। तो हम इसको जब भी इसको डिश आउट करेंगे, इस तरह से बॉइल्ड एग्स रखेंगे इसके ऊपर से। अंडों का सालन तो बनके अब तैयार हो गया। अब हम बना के तैयार कर लेंगे मिर्चियों का सालन। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है मोटी मिर्ची, 500 ग्राम है ये। तो इसको अच्छे से पहले हम धो लेंगे। धो लेने के बाद में इसको इस तरह से स्लिट्स कर लेंगे, इसकी डंडी निकाल लेंगे और बीच में से चीरा कर लेंगे इस तरह से। तो सारे मिर्चियों को हम ऐसे ही रेडी करके रख लेंगे अब। ये देखिए अब सारे मिर्चियाँ रेडी हो गए। और अब हम मसाले भून लेंगे। तो मसालों में लेंगे हम, ये है फली और खोपरा, दोनों भी 50-50 ग्राम है। तो दोनों को एक साथ में डाल के अब हम एक कढ़ाई में इसको भून लेंगे। इसी के अंदर ऐड करेंगे हम तिल, 1/2 कप तिल है ये। तो इसके साथ में ही हम भून लेंगे। तिल भुने जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा। तो 2 टीस्पून धनिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इसको भी हम साथ में ही भून लेंगे। ये देखिए अब अच्छे से भुने गया। तो अब हम इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना के रेडी करके रख लीजिए। और अब हम सालन बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और ये मिर्चियों को ऐड कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए अब ये मिर्चियाँ अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तेल से अलग कर लेंगे। और यही तेल में अब हम राई, ज़ीरा ऐड कर लेंगे, प्याज भी ऐड करेंगे इसके अंदर। एक मीडियम साइज़ की प्याज है। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। करी पत्ता ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए अब ये प्याज का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक,
मसाले ऐड कर लेने के बाद में हम इसको अच्छे से तेल में तलेंगे, इस तरह से अच्छे से हिलाएंगे। पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये भुने हुए जो मसाले थे, तिल, फल्ली, कोपरा, धनिया, ज़ीरा का जो पेस्ट हमने बना के रेडी कर लिया था भुने हुए मसालों का, वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको लो हीट पे पकाएंगे ताकि ये जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाना। ये देखिए अभी अच्छे से सेपरेट हो गया ऑयल। 15 मिनट तक हमने इसको लो हीट पे पका लिया है। और इमली का खट्टा ऐड करेंगे, तो इमली जो है मुट्ठी भर इमली भिगा लेके इस रख लीजिए, एक गिलास पानी डाल के, और इसका रस निकाल कर इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम तले हुए मिर्चियाँ। तो खट्टा जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाफ कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और ये है थोड़े से करी पत्ता, कोतमीर और हरी मिर्च, टमाटर है दो कटे हुए। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। तो पानी आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, थिक या फिर पतली, जिस तरह की होनी चाहिए आप कर ले सकते। ये देखिए अब ये सालन बन के रेडी हो गया। इसको 15 मिनट तक हमने मीडियम हीट पे रख के पका लिया था, ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी ये रेसिपी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर ये तीनों भी सालन के रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।